हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अद्विकाज वर्ल्ड। क्या आपको भी लगता है कि आपका बेबी बहुत दुबला पतला और कमज़ोर है, उसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है? तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बेबी का वेट गेन कितना होना चाहिए और वो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बेबी का वेट 0 से 2 ईयर्स में कितना होना चाहिए और कौन से केसेस में वरीड होकर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है एज पर मेडिकल गाइडलाइंस, नॉट एज पर इंडियन सोसाइटी गाइडलाइंस। हम इंडियन पेरेंट्स कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम हमेशा से अपने बच्चे का कंपैरिजन सेम एज ग्रुप के दूसरे बच्चे के साथ करते हैं। तो जब भी आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आप अपना कंपैरिजन भी एज अ पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के साथ ज़रूर करिएगा। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपके बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से अलग क्यों है। तो आपका पहला सवाल कि आपके बेबी का वेट गेन कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके बेबी का वेट गेन ना मेनली 3 फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है बेबी का बर्थ वेट। तो देखिए, जिन बेबी का बर्थ वेट ना, बेबी का बर्थ वेट नॉर्मली 2.5 kg से लेके 3.5 kg के अराउंड होता है। तो जिनका वेट बर्थ वेट ही ज़्यादा रहेगा तो बहुत नेचुरल सा बात है उसका गेन भी कंपैरिजन टू उस बेबी जिनका बर्थ वेट कम रहेगा ज़्यादा होगा। दूसरा फैक्टर होता है जेनेटिक्स। तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है बेबी के वेट गेन को लेके। अगर किसी बेबी का पेरेंट्स दुबले पतले हैं तो उनका बेबी भी दुबला पतला ही दिखेगा, और अगर किसी बेबी का पेरेंट्स थोड़ा हेल्दी है तो उनका बेबी भी हेल्दी ही दिखेगा। तीसरा फैक्टर होता है बेबी का डाइट। तो देखिए, अगर आप अपने बेबी को हेल्दी डाइट दे रहे हैं, बैलेंस डाइट दे रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, तो आपका बेबी का वेट गेन अच्छा होगा कंपैरिजन टू उस बेबी जिसको बैलेंस डाइट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा होता। तो अब आपका दूसरा सवाल कि 0 से लेके 2 ईयर्स तक के बेबी का वेट कितना होना चाहिए। तो देखिए, जब आपका बेबी जन्म लेता है ना, तो आपको बर्थ वेट तो पता रहता ही है। एज अ पेरेंट्स, आजकल के हम पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस रहते हैं। अगर हमें नहीं पता चलता है तो भी हम पूछ लेते हैं डॉक्टर से, या फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से हमें पता चल जाता है। तो सपोज अगर आपके बेबी का बर्थ वेट ना 3 kg के अराउंड है, तो 5 से 7 डेज के अराउंड वो मैक्सिमम 10% ना लॉस करेगा। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि बेबी जब माँ के वोम में होते हैं ना, तो बहुत सारे फ्लूड्स को लेके रखते हैं, और जब वह बाहर की दुनिया में आते हैं ना, तो वो उसको डिस्चार्ज करता है। दूसरा कारण होता है, जब बेबी माँ के वोम में होता है ना, तो उसको बिना किसी मेहनत से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा होता है। वही जब बाहर की दुनिया में आता है ना, तो कभी कभी वो प्रॉपर लैचिंग नहीं कर पाता, या माँ ठीक से दूध नहीं पिला रही होती, या माँ का मिल्क सप्लाई नहीं ठीक से हो रहा होता है। इन सब कारणों की वजह से वो मैक्सिमम 10% तक लॉस करता है, बट वो इस वेट को 2 वीक्स के अंदर फिर से रीगेन कर लेता है। मतलब वो 3 kg के अराउंड फिर से आ जाएगा। आपका बेबी का 6 मंथ में ना वेट अपने बर्थ वेट से डबल हो जाना चाहिए। कुछ कुछ बेबी 5 मंथ्स में इसको अचीव कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ बेबीज को 6 मंथ्स लग जाता है। मतलब 6 मंथ में आपके बेबी का वेट, अगर बर्थ वेट पे 3 kg है, तो 6 मंथ पे उसका वेट होना चाहिए 6 kg। अगर आपका बेबी का वेट इससे थोड़ा कम है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बट आप टेंशन मत लीजिए। जब आपका बेबी का फर्स्ट बर्थडे होता है ना, तो वो अपने बर्थ वेट से ना 3x हो जाना चाहिए, यानी 3 गुना हो जाना चाहिए। अगर आपका बेबी का वेट बर्थ के टाइम में 3 kg है, तो फर्स्ट ईयर में उसका 9 kg हो जाना चाहिए। अब है आपका दूसरा सवाल कि 0 से लेके 1 से लेके 2 ईयर्स तक के बेबी का वेट कितना होना चाहिए। तो देखिए, 1 से लेके 2 ईयर्स तक में आपका बेबी ना 2 से लेके 3 kg तक मैक्सिमम गेन करता है, इससे ज़्यादा वो गेन नहीं करता है। अब आप सोचेंगे कि फर्स्ट ईयर तक तो इतना ज़्यादा गेन किया कि 3x हो गया, तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, फर्स्ट ईयर तक आपका बेबी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करता, इसलिए वो कैलोरीज़ ज़्यादा बर्न नहीं करता, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रहा होता है, उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन 1 से लेके 2 ईयर्स तक में वो बहुत एक्टिविटीज़ करना सीख लेता, वो चलने फिरना सीखता है, तो उसके वजह से वो कैलोरीज बहुत बर्न करता है। तो आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी उसको दे रहे हैं, बैलेंस डाइट भी दे रहे हैं, तो मैक्सिमम 3 kg तक ही गेन करता है। अगर आपका बेबी इससे थोड़ा ज़्यादा गेन करता है तो अच्छी बात है, कम भी कर रहा है तो टेंशन मत लीजिए। तो 2 ईयर्स तक आपके बेबी का बर्थ वेट से वो 4 गुना हो जाना चाहिए।
ये तो हो गया कि 2-0 से लेके 2 years तक उसका वेट कितना होना चाहिए। अब आपका लास्ट सवाल कि आपको कौन कौन से केसेस में वरीड होके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो 3 केसेस है, अगर आपका बेबी का वेट ना जो लास्ट मंथ था उससे इंक्रीज नहीं हुआ। देखिए जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे ना तो आपको बेबी को हर मंथ का वेट आपको पता चलता रहेगा। अगर आपका बेबी का लास्ट मंथ का जो वेट था ना वो इस मंथ इससे थोड़ा सा भी इंक्रीज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट है, तो थोड़ा तो टेंशन का बात है, प्लीज़ डॉक्टर से बात कर दिए। दूसरा केस, अगर आपका बेबी का लास्ट मंथ का जो वेट था ना वो इस मंथ के वेट से वो डिक्रीज हो गया, तो भी टेंशन का बात है, आप डॉक्टर से बात कीजिए। तीसरा फैक्टर, अगर आपका बेबी का वेट ना बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, ये भी थोड़ा टेंशन का बात होता है, आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। तो देखिए बेबी वेट गेन को लेके ना मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश की हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, न्यू पेरेंट्स, न्यू मॉमीज़ या फिर जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।